लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यार बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो ना। भूख लगी है? हाँ, कुछ खिलाऊं? खिलाना, क्या खिलाएगा? गाली खाएगा। देख रामा, अगर तूने ऐसी वैसी बात की तो तेरा थोबड़ा तोड़ डालूंगा। अरे यार, तू तो जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाता है। बुरा मान गया? अरे तू तो सचमुच बुरा मान गया यार। नहीं माना। सच्ची? सच्ची। हाँ मेरी कसम। तेरी कसम। मैं कुछ खिलाऊं खाएगा? देख, तू मजाक तो नहीं कर रहा? अरे यार, मैंने कभी मजाक किया है तेरे साथ? कुछ खिलाऊं? हाँ खिलाना। खा मेरी कसम, तू खाएगा। तेरी कसम, क्या खिलाएगा? जूता खाएगा। ए, तो ए, भीमा, ए, भीमा, तूने तूने कसम खाई है, तुझे जूता खाना पड़ेगा। ए, 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 रामा, तू गांव जाके कुछ खाने के लिए लेकर आ। ए भीमा, मैं गांव से कुछ खाने का लाता हूँ, तब तक तू यहाँ बैठ के खा ले। क्या बैठ के खाऊ, तेरा भेजा? भेजा नहीं बेटा, हवा खा, हवा खा ले बेटा, खा ले, मुफ्त का माल है। तू इन दोनों को समझा दे, वरना दोनों की हड्डी पसी तोड़ डालूंगा। ए जीवा, बस बहुत हो गया, ज्यादा नाटक नहीं है। तू इन दोनों के मुंह लगता है क्यों है? तुझे भूख लगी थी तो मुझसे कहना चाहिए था, मैं कुछ दूं खाने के लिए। है खाने के लिए? हाँ, थप्पड़ खाएगा। देवा तू भी। ए भीमा, ए भीमा, ये क्या, तूने तो बच्चे की तरह मुंह फुला लिया। अच्छा गलती हो गई, माफ कर दे यार। चल। ए छोकरी, क्या है? तुमने एक लंगड़े फौजी को 4 साल के बच्चे और उसकी जवान लड़की के साथ देखा है? क्या, लंगड़े फौजी को 4 साल के बच्चे की जवान लड़की के साथ? नहीं, लंगड़े फौजी को 4 साल के बच्चे और जवान लड़की के साथ, समझी? अच्छा अच्छा, फौजी को लंगड़े बच्चे और 4 साल की जवान लड़की के साथ। 4 साल की लड़की नहीं, 4 साल का फौजी और जवान। ओह माय गॉड, 4 साल का बच्चा और लंगड़ी लड़की। ओ, ओ, 4 साल का बच्चा और, दांत दिखाने का बहुत शौक है, और दिखाए ना तो दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ओए होए होए, ए ज्यादा चपट चुकी है ना, तो ये अतड़िया निकाल के गले में टांग दूंगी, समझा? चंपापुर की चमेली चक्कू रानी के चक्कू का कमाल 50-50 कोस तक मशहूर है, समझा छोकरे? हाँ, तो तू पूछ रहा था कि मैंने फौजी को 4 साल के बच्चे और उसकी जवान लड़की के साथ देखा है क्या? तो सुन, मैंने यहाँ हर किसी का ठेका नहीं ले रखा है, चल कालू। उस दिन बच्चा इसी लड़की के साथ था ना देवा? जीवा, रामा, हट जाओ रास्ते से, जाने दो लड़की को, जा भाग। तुमने उसे जाने क्यों दिया?
जाएगी नहीं तो जानोगे कैसे कि जाती है कहाँ? राजा, राजा, कहाँ चला गया? यही तो सुला के गई थी उसे। राजा, 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 दीदी, राजा, राजा, हे भगवान, इसे कहाँ छुपाऊँ? भाग कर जाऊंगी तो भी कहाँ जाऊँ मैं? लड़की आई तो यहीं थी, फिर गई कहाँ? ए लड़की, हमें ये बच्चा चाहिए जिंदा या मुर्दा। सुना नहीं तूने? मत भेजो दीदी, हमको मत भेजो, हम नहीं जाएंगे, 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 दीदी, दीदी, हम नहीं जाएंगे। राजा बेटा, फौज में 10 साल मैंने जक नहीं मारी हथियारों। तुम लोगों ने जितनी गोलियां नहीं देखी उतनी तो मैं दुश्मनों के सीने में उतार चुका हूं। इन हाथों में बंदूक हो और बंदूक में गोलियां हो तो ये लगला तुम जैसे 100 पर भी भारी है। बापू, जरा इधर देख लंगड़े, जान जाएगा कौन किस पे भारी है। तेरी बेटी की तकदीर मेरे हाथ में है, बच्चा हमारे हवाले कर दे वरना इसके माथे पर मौत लिख दूंगा। बच्चे को देता है या तेरी बेटी के चिथड़े उड़ा दूं? नमक हलाल नौकर कभी नमक हरामी नहीं करते। सोच ले फौजी, तेरी बेटी बेमौत मारी जाएगी। फौजियों के फैसले बदला नहीं करते। मत मारो दीदी को, मत मारो, मैं दीदी को छोड़ दो, दीदी को छोड़ दो, मैं दीदी को मत मारो, मैं दीदी को मत मारो, मैं दीदी को छोड़ दो। अब क्या सोच रहा है फौजी? नमक हलाल नौकर कभी नमक हरामी नहीं करते। अपने मालिक की अमानत को जिंदा देखना चाहता है तो बंदूक फेंक दे। फौजी चाचा, फौजी चाचा, फौजी चाचा, बापू, बापू, फौजी चाचा। हराम साधे, बुज़दिलों की तरह छुपकर तूने एक मर्द की पीठ पर वार किया। साले, हमारे शिकार पर हाथ डालने की गलती, हमारे मामले में दखल देने की गुस्ताखी की।
पीठ पे वार करने वाले गीदड़ों पर मैं हाथ नहीं उठाता, थूक देता हूँ। जाकर अपने लाला से कह दे कि उसका पाला शेरों से पड़ा है, हमारी निगरानी करवाने का शौक है तो शेर पाले। उठ, भाग यहाँ से। बड़े बड़े सूरमाओं ने हमसे टक्कर ली और ताश के पत्तों की तरह ढह गए, लेकिन ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है फौजी कि तेरे सामने हम रेत के घरौंदे की तरह बिखर गए। ये बाजी तू हमसे जीत गया था, ये और बात है कि तेरे दिल के हाथों तेरी हार हुई। तेरी इस मौत का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा, क्योंकि तू एक शानदार मौत का हकदार था। बच्चा कहाँ है? दोनों टायर पंचर, कल कुछ इंतजाम करेंगे, रात यहीं गुजारते हैं।